जो टाइम से ग्राउंड पर नहीं आएगा, मैच 10-10 के हैं अभी सारे। हरियाणा 11 जबरदस्त मुकाबला करना वापस मिलता हालांकि पिछली रन में क्या गजब बेहतरीन और एक एक पॉइंट यहां पर बोनस जरूर किया है, एक एक पॉइंट आप तो कह रहे हैं। जी खाली तिलक तिलक रहेगा जी, राज को नहीं रहेगा। और क्या गजब, फिर रेड यहाँ पर सुताना की तरफ से 3 नंबर की जर्सी में। अब अभी पूछ कर भाई ये सफेद कागज तो प्लीज साइड में हो जाओ। सोनू जी दूसरा ग्राउंड खाली है। देखिए साई साई सोनीपत और घुमाना की टीम, ये टीम आ चुकी है कुर्सी की थी घुमाने की टीम जल्द से जल्द। अर्जुन स्टेडियम जी नोटा के साथ जो नोटा क्वार्टर फाइनल रहेगा, नोटा के साथ अर्जुन स्टेडियम जी और नोटा सेकंड क्वार्टर मुकाबला जो यहां पर साई सोनीपत वर्सेस घुमाना के बीच में, साई सोनीपत रेप्टर ला गई आ गया ना मजा। ना ना बेटा जब सुबह से मैं चिल्ला रहा हूँ लेट हो रहे हो, इतने रेप्टेंगे बेटा पैर आपके, मैं चार्ज करवाने हैं इतने पहला रेप्टर ला के पता क्वार्टर है बेटा लड़किया का। मैं बोल बोल मैदान पर आए घुमाना, मैदान नंबर 2 पर घुमाना टीम आ जाए। साई सोनीपत टीम मैदान पर पहुंच चुकी है और पब्लिक देखिए इस टाइम तो हमारा फाइनल मैच लगना था, अगर ये टाइम पाते तो और बहुत बेहतरीन। और फिर मैं साई सोनीपत की टीम आ चुकी है घुमाने की टीम जल्दी ग्राउंड पर रिपोर्ट करें प्लीज। साई सोनीपत की टीम आ चुकी है घुमाने की टीम जल्दी ग्राउंड पर रिपोर्ट करें प्लीज। उसके बाद रिडाना मस्जिद हरियाणा 11, रिडाना मस्जिद हरियाणा 11, उसके बाद नोथा मस्जिद अर्जुन स्टेडियम जींद के बीच मुकाबला रहेगा। और और घुमाना घुमाना की टीम भाई सोनीपत साई वाले कह रहे हो बेटा आप जी पांच हर्षण ला के घुमाना ने बुला लो।
अजय दरबार जी, गुमाना की टीम तो एक भी नहीं आली है, लास्ट 30 सेकंड समय स्टार्ट। अजय जी, प्रदीप देशवाल ने बोला कि लास्ट 30 सेकंड दो, टाइम को स्ट्रेच करो, हमने ड्रामा नहीं करना, हमने गुमाना की टीम आपके लिए समय स्टार्ट। ऑर्डर बढ़ा दे भाई, कुलदीप साहब ऑर्डर स्टार्ट किया जाए, टाइम 30 सेकंड का। कुलदीप साहब, गुमाना की टीम 30 सेकंड का टाइम दिया जाए प्लीज, दे दो तिलक राज जी, दे दो। कुलदीप जी 30 सेकंड टाइम नोट कर लो, गुमाना की टीम आपकी ठीक है, वरना स्ट्रेच किया जाए टीम को। बिल्कुल, साई की टीम आ चुकी है, प्रदीप जी गुमाना की टीम नहीं आई है। गुमाना, गुमाना की टीम भाई 30 सेकंड का समय, आप ग्राउंड पर पहुंचो। और मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, हमारे मित्र, बहुत बड़े हमारे अजीज है, बहुत बड़े समाज सेवी शंभू नरवाल जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और शंभू नरवाल जी ने अपने पिताजी की याद में अभी आने वाली 13 तारीख का बहुत बड़ी टूर्नामेंट भी रखी है। और अब शंभू नरवाल बहुत बड़े हमारे एक खेल प्रमोटर, खेल स्पॉटर बन चुके हैं, वो भी कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। यहाँ पहुंचने से पहले तैयारियां मैं चाहूंगा कि पूरी कमेटी अब आने वाले हमारे आज इस समारोह के इस समय के मुख्य अतिथि के रूप में भाई शंभू नरवाल जी, आपके अपने बिल्कुल पड़ोसी उत्सर गाँव से हैं। और शंभू नरवाल जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और टीम प्लीज, रेफरी साहिबान अजय, कुलदीप जी अजय को सब प्लीज विषय लगाइए, सर लंबी प्लीज आइए प्लीज। और हरियाणा और हरियाणा 11 ऑफिशियल मैच शुरू करा दे। और क्या बेहतरीन 7 नंबर की जर्सी में यहाँ पर क्या कदम सलिप लगाने का प्रयास, लेकिन नहीं वापिस अपने कोर्ट में। और यहाँ पर मोनी हटवाला वर्सेस जोड़ा के बीच में मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला, थर्ड रेट और स्कोर देखते किस प्रकार है। थर्ड रेट 5 मोनी हटवाला और 4 सुतोना, 5 और 4। और इससे अगले मैचों के लिए बरुराम स्टेडियम रेडाणा और हरियाणा 11। बहुत ही बराबरी का मैच, 6 और 7 का स्कोर, दोनों ही टीमें बेहतरीन टीमें जो कि प्रतियोगिता के अंदर क्वार्टर फाइनल में जो टीम वगैरह आती है वो चीज होती है। एक से एक बेहतरीन मैच आपके सामने आपको देखने को मिला। भाई बहस ना करो, रेफरी के साथ बेहतरी करी और 7 नंबर की तरफ से फिर से नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या गजब बेहतरीन सुताना वर्सेस मोनी हटवाला, और सुताना की तरफ से 7 नंबर की तरफ से मेरे, क्या सुताना ताज का हकदार बनेगा या नहीं? दादा रीस यार से देख ले, किसी के पास हो तो रुकी रुकी हुआ मेरे पास आ जा। जो इतने नंबरदार भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जो गर्ल्स गर्ल्स कबड्डी टीम के जो कोच है डहार गांव के, और जोगिंदर नंबरदार जी का स्वागत है जिन्होंने हिंदुस्तान में एक पहचान बनाई है डहार गांव की लड़कियों की टीम की। आइए नंबरदार जी, और अब 7 और 7 का बिल्कुल बराबर स्कोर। और आश्रम नगर दर्शन फिर से देखिए, यहाँ पर काफी बेहतरीन, काफी जानदार और शानदार और मुकाबला सामने से आकर इसी का नाम कबड्डी है। क्या दम लगाया सामने से, कॉर्नर और भी ब्लॉक भी, क्या गजब की अकेले ही चट्टान की तरह सुधर और स्कोर इसमें 7 मोनी हटवाला सुताना 8 बराबर का खड़ा मुकाबला। अब लेकिन गांव के ग्राउंड नंबर 2 पर जहाँ पर मुकाबला चल रहा है साई सोनीपत वर्सेस गुमाना के बीच में, और इसका स्कोर किस प्रकार है आपको अवगत कराना चाहता हूँ। दो जीरो। सोनू जी अगली टीम में
जी रिंडाना रिंडाना वर्सेज हरियाणा 11, रिंडाना वर्सेज हरियाणा 11 और नोथा सोनू वर्सेज अर्जुन स्टेडियम जी, नोथा सोनू वर्सेज अर्जुन स्टेडियम जी। और उनकी स्वागत की तैयारियां भरपूर चलिए जानदार तैयारियां। संदीप दिल्ली, दिल्ली पुलिस, संदीप दिल्ली पुलिस, प्लीज आप चर्चा मत करो, आ जाओ। भीम सिंह अलूपर कहीं मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज अगर मैच देख रहे हैं तो भीम सिंह अलूपर जी प्लीज एक बार मिले मैच, आ रही है भीम सिंह जी मेरे साथी, कहीं ना कहीं जरूर आप मैच देख रहे हैं तो प्लीज आइए एक बार, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी का नाम है लेकिन कहीं ना कहीं और अभी भी डिसीजन बाकी पिक्चर में तो अच्छा गजब बैठा गया है और सुपर टैगर खटा खटा युवा समाज सेवी हमारे शंभू नरवाल जी आपके मध्य में हम भाई का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तिलक राम जी। जी बिल्कुल ठीक है, आपने हमारे उभरते हुए बहुत बड़े समाजसेवी हैं और जिन्होंने हमेशा ही प्यार प्रेम स्नेह को बढ़ावा दिया है और जिन्होंने हमेशा ही कबड्डी प्रमोटर खेल प्रमोटर खेल स्पॉटर रहे, अपने भी पत्नी के याद में बहुत बड़ा खेल मिला जो बस्तर करवा दी, इस बार भी 13 तारीख आने वाली 13 तारीख का बहुत खेल मेला होने जा रहा है। और शंभू नरवाल जी मेरे साथी मेरे मित्र मेरे दोस्त मैं नरवाल अपने भाई शंभू नरवाल का यहाँ पहुंचने मंदिर से हार्दिक शुक्रगुजार हूँ, हार्दिक अभिनंदन है अभिवादन है। और मैच का जो है फिर रे यहाँ पर गजब और बेहतरीन दिन सुतान वशिष होनी हथवाड़ा की तरफ से और 10-10 का मुकाबला बहुत बेहतरीन और जानदार और शानदार मुकाबला गजब का प्रयास और बेहतरीन प्रयास एक अच्छा अटैक देखने को मिल रहा है और कामयाबी वापिस गजानन भाई थोड़ा पीछे हो यार धक्का मारो भाई, जितने भी कमेंट जैसे हैं वो गेस्ट पर चलेगा, मेरी प्रार्थना कृपया गेट पर पहुंच जाए कमेटी का जो भी सदस्य है। दस दस यानी कि सुताना दस और यहाँ पे कमाल का हालत है शायद जी हाँ 10 और 10 सुल्ताना वशीद मौनी खतवा 10 बस दोस्तों फिर रविंद्र नम्रता जी मैं अपनी गर्व स्थली इसे नवला गांव में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैंने मुझे मौका मिला यहाँ पर जॉब करने का मेरी किस्मत और मैं यहाँ का आशीर्वाद का अर्थ नहीं मेरे लिए हमेशा बरकरार है और मुझे लगता है कि मेरे भाई मेरे मित्र मेरे दोस्त और कोच तिलक राज नरवाल के छोटे भाई शंभू नरवाल पहुंच चुके हैं और जिसका फूल मालाओं के साथ एक स्वागत बहुत बेहतरीन जानदार और सतर्क स्वागत किया जा रहा है बहुत अच्छा और एक बार बेहतरीन और देखिए अपने पूरे परिवार को प्यार प्रेम से आशीर्वाद देखिए कल लेने के लिए भाई आवाज फिर विक्रम जी आवाज फिर कदम आगे प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज बात और यहाँ पर पहुंच चुके हैं भाई समूह नरवाल जी यहाँ पहुंचने पर जिनका ढोल नगाड़ों के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत किया जा रहा है, हार्दिक अभिनंदन अभिवादन किया जा रहा है, पूरी कमेटी जिनको ऐसे पकड़ रही है। देखो भाई कोच साहब आपको भी पता है हम दिन में बार 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 अनाउंस करते रहे कोई ग्राउंड में नहीं पहुंच रही, कोई ये टूर्नामेंट की हालत नहीं है, खिलाड़ियों की वजह से हो रही है यार, नहीं तो आपसे एक घंटा पहले ये टूर्नामेंट संपन्न हो जाना था भाई, जब कोई नहीं आया ग्राउंड में। हमारे युवा समाज से भी भाई शंभू नरवाल जी प्रताप देशवाल जी और इनके साथ आए सभी साथियों का हम यहाँ गाँव और टावला की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा देवेंद्र देशवाल मोहित देशवाल सुशील देशवाल मनोज देशवाल रामवीर देशवाल कृपया आप स्टेज पर पहुंच करके अतिथियों का पगड़ी पहना करके सम्मान करें, मोमेंट को देख करके सम्मान करें, चद्दर ओढ़ा करके सम्मान करें।
आप सभी का बार बार स्वागत है और इनके साथ भाई सभी अतिथियों का हम जिनकी गहराइयों से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। देखिए और यहाँ पकड़ है मजबूत है, छोड़ने वाला नहीं, अच्छा नहीं है। हरियाणा वर्षी हरियाणा प्रताप को भी भाई सम्मानित करो। हरियाणा वर्षी हरियाणा और नौथा वर्षी अर्जुन स्टेडियम जी एटी में जल्दी भाई, अगर आप लेट करोगे तो आपका समय कम कर दिया जाएगा, अगर आप लेट करेंगे तो आपका समय कम कर दिया जाएगा, अगर आप लेट पे प्रॉपरली आएंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज शंभू नरवाल के साथ उनके छोटे भाई वीर सिंह नरवाल का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और देखिए मेरे बहुत मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे अजीज मेरे छोटे भाई शंभू नरवाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। उनके साथ में बहुत ही हमारे और लाडले हमारे छोटे भाई वीर सिंह भी यहाँ पहुंचे, वीर सिंह का भी एक बहुत बड़े समाजसेवी कबड्डी कबड्डी स्पोर्टर में हर साल एक प्रतियोगिता और जो आने वाली 13 तारीख है बहुत बड़ी प्रतियोगिता, मैं चाहूंगा कि आप सभी इन्विटेशन आपके लिए कि आने वाली 13 तारीख को उषा गांव में आइए और सर्कल कबड्डी की बहुत बड़ी प्रतियोगिता का एंजॉय कीजिए। अगला मुकाबला हरियाणा वर्षी हरियाणा 11 के बीच में, हरियाणा वर्षी हरियाणा 11 रिपोर्ट करें भाई। नौथा वर्षी अर्जुन स्टेडियम जी रिपोर्ट करें प्लीज। और ये मुकाबले बहुत बेहतरीन और जानदार और शानदार मुकाबले घुमाना की यहाँ पर घुमाना एक मिनट आगे चल रहा है। और ये 8 नंबर की दर्शन यहाँ पर दोस्तों और आखिरी टीम में बिल्कुल अपने आप को तैयार रखे, मैं बिल्कुल समाप्ति की ओर है। अगला मुकाबला हरियाणा वर्सेस हरियाणा 11 सही आवाज फिर इकट्ठे लगी आवाज प्लीज वर्सेस हरियाणा 11 हमारे आज के इस समापन के मुख्य अतिथि हरियाणा 11 वर्सेस हरियाणा लास्ट 1 मिनट 25 मैच की अंतिम समय और मैच समाप्त।